नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से और एक टॉपिक लेके हाजिर हुआ। सो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लोग दिखाएंगे ये MTR का जो राइस इडली जो इंस्टेंट मिक्स है, इससे हम लोग कैसे बहुत जल्द इडली बना सकते हैं। तो ये नाश्ता इसके लिए बहुत सूटेबल है, तो आप लोग बहुत जल्द बना सकते हैं विदाउट यूजिंग इडली स्टैंड। इडली स्टैंड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, तो मैं क्या करूँगा, ये एक जने के लिए तो मैं हाफ कप ये इडली जो पाउडर है वो ले लूँगा। देखिए मैं हाफ कप इडली पाउडर ले लिया बस, और इसमें 1/6 कप जो कप का मैंने हाफ कप लिया था उस कप का 6 भाग का 1 भाग पानी मैं इसमें डाल दूँगा, डाल के एक पेस्ट बना लूँगा। सो देखिए पेस्ट का कंसिस्टेंसी ऐसे हुआ है, तो इसको मैं 2 मिनट जस्ट रख दूँगा, बस ऐसे रख दूँगा, क्योंकि ये जो ये थोड़ा सा घोल मिल जाना चाहिए। जस्ट 2 मिनट रख दूँगा, पेस्ट का कंसिस्टेंसी और भी थोड़ा सा गाढ़ा और ठीक हो जाएगा। जब ये 2 मिनट हो रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में 1 कप पानी डाल देंगे एंड ये जो ग्रीड है ये दे देंगे। ये ग्रीड ये पानी से जब हम लोग प्रेशर कुक करेंगे, ये जो कटोरा है कटोरा बिठाएंगे ना, तो पानी से कटोरा को अलग करेगा और पानी उठने का भी चांस नहीं है ड्यूरिंग प्रेशर कुकिंग। एंड ये गैस पे चढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए इन बीचों में मेरा 2 मिनट हो गया है, ये देखिए ये और भी गाढ़ा हो गया है। तो इसमें और थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी मैं ऐड कर रहा हूँ, हल्का सा पानी, बस हल्का सा पानी ऐड कर लिया मैंने। दिस इज़ द फाइनल मिक्स। सो देखिए यही है फाइनल मिक्स। तो अभी क्या करेंगे, इसको बस ऐसे प्रेशर कुकर में बिठाएंगे, देखिए, एंड ऐसे इसको ढक देंगे। ढकना ऐसे चाहिए ताकि सही ढंग से ढक जाए एंड ड्यूरिंग प्रेशर कुकिंग कोई पानी इसमें ना चले। एंड मैं ये प्रेशर कुकर की ढक्कन को क्लोज कर रहा हूँ। बस अभी मैं 2 व्हिसल के लिए वेट करूँगा। 1 व्हिसल आया, दो व्हिसल आया, सो मैं और 1 व्हिसल डाल देता हूँ, तो उसमें पूरा शांति है, पूरा हो जाएगा। तो 3 व्हिसल्स, सो और 1 व्हिसल्स आने दीजिए। सो बस 3 व्हिसल हो गया, तो मैं अभी ये गैस को बंद कर रहा हूँ। अभी पूरा प्रेशर रख देंगे एंड खोल के दिखाएंगे। सो प्रेशर निकल गया, खोल रहा है, तो अभी देखते हैं। बहुत गर्म है, देखिए पूरा सही ढंग से हो गया। देखिए इडली को कट करके बस ये टिफिन के लिए, तो बस मैं ऐसे थोड़ा सा पीस कर रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर फ्लापी इडली बन गया, और ये सॉस से हम लोग सर्व करेंगे। बस तो फाइनली ऐसा हुआ, ये एक बच्चे का टिफ़िन है, तो सुबह में जब नाश्ता का ज़रूरत होता है टिफ़िन में, तब हम लोग ऐसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसे फॉलो कीजिए एंड नेक्स्ट कोई एक सेशन और वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो थैंक्स एंड नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके हाजिर होंगे। बाय।